कहते हैं कि चुनाव के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन की अपराध और अपराधियों पर विशेष नजर रहती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहते हैं, लेकिन हरियाणा में हुए पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर अपराध इसलिए हुए क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पूरी सरकारी तंत्र चुनाव में व्यस्त था। जी हाँ, ये कहना है डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का। दुष्यंत चौटाला आज फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने जब फतेहाबाद में लगातार बढ़ रहे अपराध और चोरियों के सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम का जवाब हर किसी को हैरान कर गया। दुष्यंत ने कहा कि चुनाव के चलते पूरा सरकारी तंत्र व्यस्त था, अब चुनाव से फुर्सत मिली है तो डीजीपी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दे दिए हैं। पेंशन की बात की थी, कब तक ये मोटी मोटी चोरियां हो चुकी हैं अभी तक? काफी ट्रेस्ट जो हुए नहीं मामले अभी तक पिछले दिनों के अंदर, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी पंचायती राज चुनाव में व्यवस्था में व्यस्त है, कई जगह क्राइम की स्थिति बढ़ी है, उसके ऊपर डीजीपी ने भी आदेश दे दिए सख्ती के साथ आगे बढ़ता है। पंचायत चुनाव के दौरान फतेहाबाद जिले के कई हिस्सों में लगातार चोरियां हुई, पहले भी चोरियां होती थी, आगे भी पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, इसका भी दावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन चुनाव की आड़ देकर अपराध होने देना और अपराधियों पर माकूल कार्रवाई न करना, ये तो आम जनता की जान और माल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद भी अपराध थम नहीं रहे हैं, लेकिन नेताओं को जिला परिषद में अपने अपने चेयरमैन बनाने की फिक्र ज्यादा है और दुष्यंत चौटाला भी भाजपा के साथ मिलकर अपने चेयरमैन बनाने की जुगत में लगे हैं। चेयरपर्सन जो गठबंधन का होगा या सिर्फ जजपा के बैनर? अभी तो हम प्रयास करेंगे मिलकर बनाए और हमारे नंबर पूरे होंगे जरूर। आपने जेजेपी का जो चेयरमैन बनेगा कोशिश यही रहेगी? बिल्कुल, हर पार्टी की यही कोशिश रहती है और मैं तो यहाँ नहीं, सारे प्रदेश के अलग अलग कोणों में प्रयास करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नंबर ज्यादा है तो हम उनका सहयोग करेंगे, हमारे नंबर ज्यादा है। बता दें कि जजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 9 दिसंबर को भिवानी में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों में जेजेपी के बड़े से बड़े नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। इसी रैली में फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं और जनता को निमंत्रण देने के लिए दुष्यंत चौटाला यहां पहुंचे थे, जहां बीते कुछ दिनों में बढ़ते अपराध पर दुष्यंत चौटाला की दलीलें हैरान करने वाली थी। फतेहाबाद से रमेश भट्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।